ठेठ हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के 2 एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों को वास्तव में उनके लिए बनाई गई योजना का लाभ मिले इस दिशा में पहल करते हुए किसान मित्र योजना शीघ्र तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने हरियाणा को प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता में भी देश का एक अग्रिम राज्य बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना पर तेजी से कार्य करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कल देर सायं यहां पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री श्री जेपी दलाल, पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन तथा विधायक सोमवीर सागवान भी उपस्थित थे। विभाग के प्रधान सचिव राजा शेखर वुंडरू ने योजना पर प्रस्तुतिकरण देते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में चलाए जा रहे पशुधन विकास कार्यक्रम में हरियाणा के गाय और भैंसों को मुँह खोर व गलघोटू रोग से मुक्त करने के लिए FMD प्लस SS संयुक्त वैक्सीन कार्यक्रम सफल रहा और इसके परिणाम स्वरूप पिछले 1 साल से इन बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया। केंद्र सरकार ने अपने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया है। इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा को 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।